हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपके लिए सोशियोलॉजी के ये फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, समाज रीतियों, कार्य विधियों, अधिकार और पारस्परिक सहयोग अनेक समूहों और उप विभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा सदैव परिवर्तित होता रहता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब उसने एक स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है यहाँ पे, वो आपसे उसकी व्याख्या करवा रहा है। अथवा में दिया है कि समाज की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। समाज की परिभाषा पूछ रहा है आपसे और इसकी विशेषताएं पूछ रहा है। अथवा में और कह रहा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन को समझाइए। मतलब अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर आपसे कोई भी चीज़ पूछता है तो आपको आंसर यही देना है, ठीक है? तो हम लोग आंसर देखते हैं इसका। तो ये कह रहा है, एक और रह गया, समाज से आप क्या समझते हैं। मैकाइवर और पेस द्वारा की गई समाज की परिभाषा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। और ये भी आपका क्वेश्चन दे दिया है। मतलब चार चीज़ें पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका यही जवाब देंगे। मैं बता रहा हूँ आपके लिए, समाजशास्त्र के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द समाज है, क्योंकि समाज ही इस विषय की विषय वस्तु है। समाज ही क्या है, इस विज्ञान की विषय वस्तु है। समाज अत्यंत प्रचलित, व्यापक तथा परिचित शब्द है। समाज शब्द का प्रयोग निम्नलिखित दो अर्थों में किया जाता है। सबसे पहला है आपका समाज का सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थों में समाज का प्रयोग व्यक्तियों के एक समूह के लिए किया जाता है। हम बोलचाल की भाषा में आर्य समाज बोलते हैं, महिला समाज बोलते हैं, बाल समाज, विद्यार्थी समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज आदि का शब्दों का प्रयोग करते हैं। परंतु समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से इनमें से कोई भी समाज नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग केवल एक निश्चित अर्थ में ही किया जाता है। अब कह रहा है, समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है। तो समाजशास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पारस्परिक संबंधों में बंधे हुए व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में एक व्यक्ति के अनेक व्यक्तियों तथा समूहों के साथ विभिन्न प्रकार की सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। अब हम समाज की परिभाषाएं देखते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने समाज की परिभाषाएं अपने अपने दृष्टिकोण से दी हैं। कुछ प्रमुख विशेष परिभाषाएं हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पार्सन्स के अनुसार समाज मानव संबंधों की संपूर्ण जटिलता या संकुलन है, सॉरी संकुल है, जहाँ तक वे साध साधन संबंध के रूप में चाहे स्वाभाविक हों या प्रतीकात्मक क्रियाओं से उत्पन्न हों। ये पार्सन्स ने दी है आपकी परिभाषा समाज की। सेकेंड, रूटर ने कहा कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो कि एक समूह के सदस्यों एवं उन सदस्यों के मध्य जो जटिल पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उनका बोध कराता है। इसके बाद हम आते हैं समाज की विशेष विशेषताएं अथवा तत्व पर। समाज का निर्माण करने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ये तत्व समाज की विशेषताओं के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? समाज की विशेषताओं के नाम से। समाज की प्रमुख विशेषताएं अथवा तत्व निम्न प्रकार हैं। पहला है व्यक्तियों की अधिकता। किसी भी समाज का निर्माण केवल एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति अकेला किसी भी समाज का निर्माण नहीं कर सकता। व्यक्तियों की अधिकता होने पर ही उनमें अंतःक्रिया द्वारा पारस्परिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। इन सामाजिक संबंधों एवं अंतःक्रिया से ही समाज का जन्म होता
होता है। सेकंड है हमारा पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता की स्थिति समाज का आवश्यक तत्व है, इसके अभाव में सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता। सामाजिक संबंध सदैव ही दो सामाजिक व्यक्तियों तथा समूह के मध्य होता है। दो मित्रों का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध, पुत्री और माँ का संबंध, पति पत्नी का संबंध आदि सामाजिक संबंधों के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है हमारा सामाजिक क्रियाएं। एक सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के द्वारा ही सामाजिक क्रियाओं का जन्म होता है। प्रतिस्पर्धा, श्रम विभाजन, सामूहिक खेल, कक्षा में पढ़ना, परंपराओं का पालन, उत्सव मनाना आदि सामाजिक क्रियाएं हैं। समाज में समानता, अगला पॉइंट है हमारा समाज में समानता। तो समाज के अस्तित्व के लिए समानता एक महत्वपूर्ण तत्व है। शारीरिक तथा मानसिक समानता के अभाव में व्यक्ति ना तो सामाजिक संबंध स्थापित कर सकता है और ना ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा समाज में भिन्नता। भिन्नता भी समाज के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। राजशास्त्रीय भिन्नता, व्यावसायिक भिन्नता, उद्देश्यों की भिन्नता, रुचियों की भिन्नता, आवश्यकताओं की भिन्नता, क्षमताओं तथा योग्यताओं की भिन्नता आदि के कारण ही समाज का निर्माण एवं विकास संभव है। सिक्स पॉइंट हमारा भिन्नता समानता के अधीन। समाज के निर्माण में समानता तथा भिन्नता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। समानता और भिन्नता हमारे दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, किंतु भिन्नता की अपेक्षा समानता का अधिक महत्व है। इस प्रकार की भिन्नता समानता के अधीन है। संसार के सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान एक समान हैं, किंतु व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीविका के विभिन्न साधन अपनाते हैं तथा श्रम विभाजन में सहयोग देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैकाइवर तथा पेस द्वारा की गई समाज की परिभाषा की व्याख्या। तो समाज रीति रिवाजों और कार्य प्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों और विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वाधीनताओं की व्याख्या है, ठीक है ना। तो इसकी देखते हैं हम उपयोगयुक्त परिभाषा मैकाइवर तथा पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में प्रस्तुत की है। इस परिभाषा के आधार पर उन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। किसने जाल माना है? मैकाइवर और पेज ने। इस जाल की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से देखने को मिलती है। अधिकार, पारस्परिक सहयोग, समूह, रीति रिवाज, कार्य प्रणालियाँ, नियंत्रण आदि सामाजिक संबंधों की ही अनेक अभिव्यक्तियाँ हैं। मैकाइवर तथा पेज की उपर्युक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर निम्नांकित तत्वों का बोध होता है। इन तत्वों के विश्लेषण से इस प्रकार के आशय को आसानी से समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रीति रिवाज। रीति रिवाज में हम लोग देखते हैं किसी भी समाज में रीति रिवाजों का होना आवश्यक है। ये रीति रिवाज खाने पीने, बोलने चालने, विवाह, शिक्षा, धर्म आदि अनेक पहलुओं से संबंधित होते हैं। मतलब रीति रिवाज जो होते हैं उसमें आपके लिए रीति रिवाज है, खाने पीने का है, बोलने चालने का है, विवाह है, ये सारे मतलब पहलू उससे संबंधित हैं। वास्तव में इन रीति रिवाजों के आधार पर ही हम विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक समाज में अलग अलग रीतियाँ पाई जाती हैं। मतलब हर एक समाज की अलग अपनी अपनी रीतियाँ हैं। उदाहरण के लिए हिंदू समाज में विवाह की जो रीति है और उससे संबंधित जो रस्म और रिवाज है उनमें से शायद कोई भी मुस्लिम या ईसाई समाज में नहीं पाए जाते हैं। मतलब हर एक धर्म की अपनी अपनी रीति रिवाज होते हैं। सेकंड है हमारा कार्य प्रणालियाँ। तो मैकाइवर तथा पेज ने अपनी परिभाषा में कार्य प्रणालियों को भी समाज का एक आवश्यक आधार माना है। सामूहिक कार्य करने की सब प्रतिष्ठित कार्य प्रणालियाँ ही संस्थाएँ हैं।
वास्तव में प्रत्येक समाज में सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए निश्चित तरीके होते हैं। कोई भी कार्य कैसे किया जाए, कब किया जाए आदि बातें प्रत्येक समाज में निश्चित होती हैं। उदाहरण के लिए, एक हिंदू के यहाँ हवन और पूजा द्वारा विवाह संपन्न होता है, जबकि एक ईसाई के विवाह में केक काटना ही विवाह का प्रमुख अंग है। तो ये कार्य प्रणालियाँ हो गई आपकी। अगला पॉइंट है आपका अधिकार। अधिकार भी समाज का एक आवश्यक आधार है। वास्तव में अधिकार के अभाव में समाज के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होने चाहिए जो कि ऐसे अधिकार रखते हों कि जिनसे दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाए। उदाहरण है इसका, परिवार में मुखिया होता है जो जिसका मतलब अधिकार जो है घर में वही चलाता है। कॉलेज में प्रधानाचार्य होते हैं। इसके बाद व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा पारस्परिक सहयोग। तो मैकाइवर तथा पेज ने अपनी परिभाषा में पारस्परिक सहयोग की भी समाज के एक आवश्यक आधार के रूप में व्याख्या की है। कोई भी संस्था या समूह सहयोग के अभाव में स्थायी नहीं रह सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कोई भी संस्था हो या कोई समूह हो, वो सहयोग के अभाव में स्थायी नहीं रह सकता। प्रत्येक मनुष्य की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति वह अकेले नहीं कर पाता, अर्थात उसे दूसरों के सहयोग की अपेक्षा होती है। बिना सहयोग के मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनेक समूह और विभाग। समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है, इनमें से अनेक विभाग और उप विभाग पाए जाते हैं, जैसे परिवार है, कॉलेज है आपका, आर्थिक संगठन है, अस्पताल, ऑफिस, कोर्ट। आधुनिक समाजों में तो इन सभी विभागों में से प्रत्येक के अनेक उप विभाग भी होते हैं। इन सभी को मिलाकर समाज बनता है। उदाहरण के लिए, कॉलेज के सभी सदस्य आपस में शैक्षिक संबंध रखते हैं, श्रम संघों का सदस्य आपस में आर्थिक संबंध रखते हैं, इसी प्रकार धार्मिक समिति के सदस्य धार्मिक संबंध रखते हैं। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन।